कि जो बुकिंग प्राइस रहेगी वो कम हो सकती है, काफ़ी सारे चांसेस हैं कि कम हो जाए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यह है रिवोल्ट आरवी 400 एंड रिवोल्ट आरवी 300 का स्विच स्टेशन। एक यूजिंग में है और एक नॉन यूजेबल है, मतलब अभी यूज़ नहीं किया। सो गाइस, यह है रिवोल्ट आरवी 400 जो कि अपडेटेड है। सबसे पहले हम हैंडल के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा हैंडल पूरी तरह से इन्होंने चेंज कर दिया है, ग्रिप वगैरह इनका हैंड का काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। शीशे भी काफ़ी अच्छे हैं और डिजिटल डिस्प्ले वही रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़बरदस्त और चेंजिंगबल है। यहाँ पर बाइक स्टार्टिंग और बंद करने का ऑप्शन भी अलग है, ऑन का सिस्टम अलग दिखाया, साउंड का सिस्टम अलग है। और उसके साथ में यहाँ पर शिफ्टिंग जो रहता है वो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड वो भी चेंज कर दिया है। ऑन का सिस्टम अलग है, इंडिकेटर्स, हाइपर लाइट, ट्रिपर लाइट वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। और एक बात गाइज, ये लोग हैंडल बार भी चेंज कर दिया है। उसके साथ में बॉडी तो ठीक ठाक ही लग रही है, पहले जैसी थी वैसे ही है। और उसके साथ में आपको अभी मैं सीटिंग के बारे में बात करूँगा बाद में, उसके पहले मैं बेल्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर बेल्ट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इस नए अपडेटेड बाइक में, जो कि जो बेल्ट था वो काफ़ी छोटा था तो अभी वो बड़ा दिख रहा है मुझे। और बाकी मोटर में भी थोड़ा सा इन्होंने ग्रिपिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और बाकी सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घिस रहा था मेरे बाइक को, तो अभी ये ऊपर उठने की वजह से आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने कहा था कि सीटिंग थोड़ी सी ऊपर कर दी गई है, यहाँ पर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा मैं जब बैठा था। तो बाकी सब बाइक में वही पार्ट्स लग रहे हैं मुझे जो कि ओल्ड बाइक्स में थे, वो बेल्ट के अलावा, मोटर के थोड़े से ग्रिप के अलावा और सीटिंग के अलावा थोड़ा सा, और हैंडल बार जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और बाकी टायर्स तो MRF के ही हैं। और इसका साइज़ की बात करूँ तो 120x80 का इसका टायर का साइज़ है, व्हील का साइज़ जो है वो 17 है। और बात करें आगे के टायर्स की तो 90x80 का इसका आगे का टायर का साइज़ है और व्हील की साइज़ बोलूँ तो 17 है। यहाँ से थोड़ा ऊपर उठने के बाद शॉक ऑब्जर्वर वैसे ही दिखेगा और यहाँ पर हैंडल लॉक है। यहाँ आने के बाद गाइज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम चली कि जैसे कि रिवोल्ट आरवी 400 जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है और इनका जो कंफर्टेबल लेवल होता है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब जो सिटिंग में जो प्रॉब्लम आता था वो सॉल्व हो चुका है और थोड़ा सा सीट को ऊपर उठा चुके हैं वो लोग। और थोड़ा मेरी जो बाइक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो जैसे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आता था। सो सबसे पहला गाइज मेरा ये प्रॉब्लम था जो कि यहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। रिवोल्ट जिसके पास है वो समझ सकता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती होगी सिटिंग में। और ये थोड़ा सा आगे जाता था मैं, जो पीछे वाला मेंबर रहते तो थोड़ा सा आगे आता था, तो वो एक प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। और एक प्रॉब्लम है जो कि बेल्ट से रिलेटेड है, बेल्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा था, जो कि उन्होंने बड़ा कर दिया है। आपको मैं एक बार बेल्ट दिखा देता हूँ कि कैसा है अभी मेरे में। सो आप देख ही सकते हो गाइज कि मेरा कितना छोटा बेल्ट है। तो ये छोटा बेल्ट होने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत तो अभी तक नहीं आया है, बट यहाँ पे इन फ्यूचर आ सकता था, तो उन्होंने बढ़ा दिया है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सेकंड है हैंडल, हैंडल जो हैंडल बार उन्होंने काफ़ी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जो मेरा हैंडल ऐसा है तो उन्होंने थोड़ा सा साइज़ में और लुक में थोड़ा सा चेंज कर दिया है हैंडल बार को। और उसके साथ में उन्होंने ये भी चेंज किया है जो अपर लाइट वगैरह, ये जो बोल सकते हो आप, ये पूरा सेटअप जो है उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। ये ग्रिप वगैरह जो होता है उन्होंने पूरा चेंज कर चुका है, इस साइड का भी उन्होंने चेंज किया हुआ है। और बाकी ये स्पीडोमीटर डिजिटल ही उन्होंने रखा है, जो है वही है। ये भी जो ऑयल सिस्टम होता है वो भी जो है वही है, इधर का भी वही है, शीशे वगैरह सब सेम है। उन्होंने कहा है कि साउंड में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती थी, तो साउंड भी उन्होंने चेंज कर चुके हैं वो लोग, ये ऐसा मुझे बताया। फिर बाकी टायर वगैरह वही रखा है उन्होंने, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी टायर का साइज़ वगैरह बता दिया, MRF का ही टायर आता है, डिस्क ब्रेक वगैरह वही है, सब सेम है। बाकी जो कस्टमर्स को जो प्रॉब्लम आते थे वो उन लोगों ने सॉल्व करके दिया है बाइक में। और
लुक वगैरह वही रखा है उन्होंने, जो प्रॉब्लम्स थे वही सॉल्व हुए हैं। खास करके मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा कि ये चेंज हो गया, जो कि मुझे प्रॉब्लम आता था सीटिंग में, तो सीटिंग चेंज होने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि औरों को दिक्कत नहीं होगी। और हैंडल का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था खास करके, क्योंकि आगे ये बहुत प्रेशर आता था हाथों पे, तो वो भी अभी किसी और को नहीं आएगा, मुझे आया तो आया। और बाकी सब कुछ बेल्ट में एक प्रॉब्लम बोल रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो वो भी चेंज हो चुका है, वो मुझे अच्छी चीज़। लेकिन मैं आपको मैं बताया नहीं कि ये जो चीज़ है वो मरगाड़ बोल सकते हो या फिर जो चाहो बोलो, ये जो चीज़ है वो यहाँ पर घिसती थी, तो वो भी चेंज हो चुका है यहाँ पे आने के बाद, मुझे ये मालूम चला। शॉक अब्सर्व भी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल, आपको वो पता नहीं चलेगा, बट उनका जो शॉक अब्सर्व है लेटेस्ट अभी जो बाइक्स आने वाली है उनमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया है शॉक अब्सर्व, और अच्छा शॉक अब्सर्व उसमें यूज़ किया गया है। और आगे का जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था उन्होंने, वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, बट शॉक अब्सर्व थोड़ा सा अंदर से चेंज हो चुका है, थोड़ा सा अंदर से पार्ट्स चेंज हो चुका है, आपको बाहर से कुछ दिखने के लिए दिखेगा नहीं, बट ठीक है, उन्होंने अंदर से सब कुछ जो चीज़ें थी ख़राब वो उन्होंने निकाल कर डेवलप कर चुके। और अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा ग्रिप उन्होंने वो बढ़ा दिया है, सामने की साइड में जो मोटर होती है वो थोड़ा सा आगे आ चुकी होगी, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। और ये सब कुछ ऐसा उन्होंने नॉर्मल चेंज किया, मोटर थोड़ी सी जो बेल्ट को घुमाने वाली रहती है उसे चेंज करके थोड़ा सा अलग अलग के साथ और एक चीज़ की है, उनकी जो प्राइस रहती है वो बुकिंग की प्राइस होती है 20,000 मतलब 19,999 रुपये, तो वो अभी बुकिंग बंद है फ़िलहाल, मैं भी जानता हूँ, बट तुरंत अभी खुलने वाली है। और उसके साथ में एक लेटेस्ट अपडेट मैंने उनसे पूछा है कि जो बुकिंग प्राइस रहेगी वो कम हो सकती है, काफ़ी सारे चांसेस हैं कि कम हो जाए, क्योंकि मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने हाँ बोला है, तो वो हो सकता है, वो डेफिनेटली नहीं बोला है उन्होंने कि कन्फर्म नहीं बताया कि बुकिंग प्राइस कम हो सकती है, बट होगी ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि पर्सनली कि बुकिंग प्राइस 20,000 तक है तो वो काफ़ी अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अभी कम होगा तो काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ में और एक चीज़ पता चले कि जो प्राइस है वो 1,35,000 इस बाइक की प्राइस है, तो वो भी कम हो सकती है इन फ्यूचर। तो उन्होंने अभी जब वो अपडेट होगा तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर वो उसका अपडेट मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका प्राइस है 1,35,000, तो वही प्राइस रहेगा, तो जब अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। तब अगर वो अपडेट आपको चाहिए तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आप कर ही दोगे मुझे पता है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।